पर अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि ये इस बार ये कॉस्ट्यूम और वो कॉस्ट्यूम क्या फर्क है, मतलब कितना आपको मतलब चेंज ओवर दिखा है, टाइम पीरियड भी चेंज है, वो 1920 की कहानी थी, ये 1947 की है, तो कैसे ये पाइनएप्पल जैसे कैसे आपको ये कॉस्ट्यूम्स के, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी जब मैंने इनको देखा तो मैंने बोला अरे वाह ये तो एक नया वर्ल्ड आ गया। पाइनएप्पल नहीं बोल सकते इसे। अच्छा बताइए। पर या बहुत चेंज है और इतना प्यारा है ये कॉस्ट्यूम, और मेरा पहले वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगता था क्योंकि मुझे सजने धवरने का बहुत शौक था, और साड़ी वैसे भी मैंने पहनी थी उस लाइक बैरिस्टर बाबू में बौद्धता के रोल में, और इसमें फ्रॉक, सो व्हेन आई वाज डूइंग द लुक टेस्ट मुझे लाइक लिटरली अलग लगा कि वाह ये मतलब अलग है, फ्रॉक पहन लिया मैंने, और बौद्धता ने साड़ी पहनी थी तो उसमें बहुत सारी ज्वेलरीज होती थी, आप ऐसे अरे अब ज्वेलरीज नहीं है कहाँ गया, इतना वेट नहीं है कुछ भी नहीं है, तो या बहुत डिफरेंट साड़ी में सीन शूट किया, सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी दैट लाइक हम दोनों एक साथ शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके साथ शूट नहीं किया था, तो या एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू शूट विद हर। लखनऊ आए हुए हैं दोनों कैरेक्टर्स में। सर जैसे आपने ट्रेलर देखा अभी, ऑलरेडी कलर्स टेलीविजन जो है एक मेगा सुपरहिट शो दे चुका है बैरिस्टर बाबू, तो ऑडियंस बहुत चाहती थी कि बौद्धता और वो सारे किरदार वापस आएँ, क्योंकि मैंने भी हाल फिलहाल में जब कुछ एपिसोड्स देखे और जब फीडबैक पढ़ा तो मैं खुद ही ताज्जुब में था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट उस शो ने दिया था, क्योंकि समाज के कुछ ऐसे पहलुओं को छुआ था, और उसकी ऑडियंस छोटे बच्चे भी थे, और लेखन ऐसा था उस शो का कि मतलब बच्चों के थ्रू इतनी बड़ी बड़ी बातें समाज के सामने रखी जा रही हैं, और अगर कहीं पर आपको कोई मोटिवेशन या प्रेरणा मिले तो आज की डेट में उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे निर्माता शशि सुमित प्रोडक्शंस और कलर टीवी ये शो लेकर आए, और हमारे लिए ये भाग्य की बात थी कि भैया हम तो दोबारा करेंगे इसको। तो ये कहानी अब बौद्धता और अनिरुद्ध के दो बच्चों की है, दुर्गा और चारू, जो कि एक एक्सीडेंट में एक बिटिया कहीं खो गई थी। तो मेरे को बिनॉय को ये हमेशा एक द्वेष रहा है कि उस दौर में उस समय में मैं अपने बेटे के साथ सही व्यवहार नहीं करता था, तो एक बिटिया रह गई है, दूसरी की तलाश है जो कि चारू है, और नटबाजीगर के घर में वो कहीं पाली जा रही है पर हमें पता नहीं है। तो ये दोनों मिलते हैं और आगे क्या खेल रचते हैं और अपने तर्क से समाज में क्या फ़र्क लाते हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेखन शशि सुमित प्रोडक्शंस का, राइटिंग कलर्स की प्रोडक्शन, क्योंकि पहले भी ये समय के साथ हमेशा ऐसे बड़े बड़े शोज़ लेकर आए हैं, बालिका वधु, देश नाना लाडो, तो मतलब सुपरहिट शोज़ रहे हैं, और बैरिस्टर बाबू अपने में एक मेगा हिट शो रहा है, और ऑरा की एक कमाल की फ़ैन फॉलोइंग है, और ये जब आई भी थी इसका पहला शो था तो मैंने इससे पूछा था कि ऐसा अभिनय तुम कैसे करती हो, तो ये बोलती थी पता नहीं, और अभिनय में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, पर आप अगर आनंद ले रहे हैं तो वो आनंद आता है, और इस हमने 30 एपिसोड्स लगभग शूट कर चुके हैं, तो मेरे को जितना मज़ा आया एक कलाकार के नाते मैं यही कहना चाहूँगा, जब हमें खेलते हुए मज़ा आता है तो वो मज़ा ऑडियंस तक भी पहुँचता है, और कमाल की स्टोरी लाइन है, कमाल के अभिनेता हैं, और वो एक वर्ल्ड में घुसना